बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी साबुत माश की दाल और चने की दाल। ये मिक्स दाल मैं आज आपको बनाना सिखाऊँगी। साबुत माश की दाल आधा किलो और दाल चना भी आधा किलो। अब तड़का लगाने के लिए एक अदद प्याज, एक अदद टमाटर, एक अदद लहसुन और आपने इसी तरह काटना है जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है और 6 अदद सब्ज मिर्च, नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 3 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 2 खाने के चम्मच। अब सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं दाल शामिल करूँगी। अब मैं 2 लीटर पानी शामिल करूंगी। अब मैं मसालों को घोल कर शामिल करूंगी। इन मसालों को मैंने पानी में घोल कर शामिल कर रही हूँ। अब मैं नमक शामिल करूंगी। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। अब हमारी दाल पक चुकी है। अब मैं तड़का लगाऊंगी। अब मैंने पतीले में 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं प्याज शामिल करूंगी। अब प्याज को फ्राई करूंगी। अब मैं लहसुन शामिल करूंगी। अब मैं सब्ज मिर्च शामिल करूंगी। अब मैं टमाटर शामिल करूंगी। अब मैंने जो तड़का लगाया था वो दाल में मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूंगी। अब हमारी साबुत माश की दाल और चने की दाल तैयार हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करके आपको दिखाऊंगी। अब हमारी साबुत माश की दाल और चने की दाल तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आखिर में जो वीडियोस हैं इनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।